बिल्कुल सर, तो इस सीरीज में हमारी जो चौथी पिक है वो है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर जिस तरह के नंबर्स है, मैं माफ कीजिएगा, जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखेंगे वो एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा यहाँ पर बेहतरी की तरफ संकेत कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही वाईओवाई बेसिस और क्यूओक्यू आधार पर कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रह सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं नतीजे कब आएंगे। 7 अगस्त यानी कि सोमवार को इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे, और साथ ही यहाँ पर जिस तरह की कंपनी की टॉपलाइन है वो करीबन 46% ग्रो कर 1555 करोड़ रुपए पर कंपनी अपना रेवेन्यू दर्ज कर सकती है, ऐसा हमारा अनुमान है। यही नहीं, कंपनी का कामकाजी मुनाफा भी करीबन 67% की ग्रोथ के साथ 440 करोड़ पर आ सकता है, और इसी वजह से कंपनी की मार्जिन्स भी लगभग 3.5% 350 बेसिस पॉइंट्स बढ़ सकती है 28.3% पर, और मुनाफा भी 73% की ग्रोथ दिखाते हुए 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी कंपनी का मुनाफे के लिहाज से यानी कि बॉटम लाइन के लिहाज से आ सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी की ऑक्यूपेंसी लेवल ये तो एक बढ़ेगी ही, और साथ ही जो कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है, ये जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है हॉस्पिटल्स को हम ट्रैक करते हैं, वहां पर भी अच्छी खासी मजबूती है। तो इस वजह से कंपनी की जो टॉप लाइन नंबर्स है वहां पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट भी आता हुआ दिखेगा। साथ ही कंपनी की जो प्रेजेंटेशन आई थी मई महीने में, उन्होंने भी ये चीज हाईलाइट की थी कि मार्च महीने में उन्होंने एक नया जो ऑन्कोलॉजी ब्लॉक है 92 बेड्स का, वो भी मार्च में कमीशन किया था, तो उसकी भी रेवेन्यू पोटेंशियल आपको इस तिमाही में आती हुई दिखेगी। अब यही नहीं, इसके साथ साथ कंपनी की जो बेहतर चैनल मिक्स रेशियो है वो कहीं ना कहीं इनके फेवर में जाता हुआ दिखा है। इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग जो मार्जिन है और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वहां पर भी अच्छा खासा आपको तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। तो लार्जली हर एक पैरामीटर पर कंपनी का अच्छा प्रदर्शन रहने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, अच्छे नतीजों की एक्सपेक्टेशंस है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट से।